हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर होता है टायर टू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, उसमें जो कोएड्स लिखने होते हैं एसे में, जो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम कोई भी यूनिवर्सल कोएड लिखें। तो इसमें 25 कोएड्स मैंने लिखे हुए हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो जिन बच्चों का अभी पेपर आने वाला डिस्क्रिप्टिव का, वो जरूर इस वीडियो को देखें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फर्स्ट हमारा कोएड है, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैज हैव अचीव्ड। मतलब ये बीआर अंबेडकर ने दे रखा है ना, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे कोएड्स, तो सारे मैंने इसमें डाल ली हैं। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अगर आपको लिखना पड़े तो। तो नेक्स्ट है हमारा, देर इज नो चांस ऑफ वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ वुमेन इज इम्प्रूव्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बर्ड टू फ्लाई ऑन वन विंग। स्वामी विवेकानंद ने ये दिया है। We want the education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellectual is expanded, and by which one can stand one's own feet. स्वामी विवेकानंद का यही रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो कोई ट्रेने वाला है, एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ऑलवेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। मतलब आपके नॉलेज के ऊपर कोई भी ऐसे रहने वाला है तो आप उनमें एक और लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, यू कॉन्ट क्रॉस द सी मेरेसली बाय स्टैंडिंग और स्टेयरिंग एट द वॉटर। ये टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट है, अवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन द गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। थॉमसन ने लिखा है ये। इनजस्टिस एनी वेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरी वेयर। मार्टिन ने लिखा है ये। आपका कोएट है जो इंपॉर्टेंट कोएट है, आप सभी करके जाइएगा। नेक्स्ट हमारा, वी मस्ट बिकेम द चेंज वी वॉन्ट टू सी। महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी का ही नेक्स्ट कोएट है। एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स अप मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। नेक्स्ट है, इट इज द हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसीज ऑफ गोल्ड और सिल्वर। ये भी महात्मा गांधी ने आपका लिखा है। नेक्स्ट है, आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग दैट गिव्स द वीक सेम चांस एज द स्ट्रोंग। ये भी महात्मा गांधी ने आपका लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट है, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये भी महात्मा गांधी का आपका लिखा है। नेक्स्ट है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। साइंस विदाउट रिलीजन इज ए लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ए ब्लाइंड। आइंस्टाइन ने लिखा है ये। एनीवन हु हैज नेवर मेड ए मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। नेक्स्ट है हमारा, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। एरिस्टोटल ने लिखा है ये। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। नेक्स्ट, ये भी एरिस्टोटल ने लिखा है। पेशेंस इज बिटर एंड इट्स फ्रूट इज स्वीट। एरिस्टोटल का है ये भी। पॉवर्टी इज द पेरेंट ऑफ रिवोल्यूशन एंड क्राइम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारे नरेंद्र मोदी ने लिखा है, गुड गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई अदर एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पीपल। नरेंद्र मोदी ने लिखा है या। नेक्स्ट है, बिल गेट्स ने द इंटरनेट, मतलब आपका कोई भी आए इंटरनेट के बारे में, कोई भी आपका ऐसे आ जाता है तो आप सबसे पहले अगली लाइन लिखेंगे, आपका कोट लिखेंगे तो आपका अलग इंप्रेशन पड़ेगा ऐसे पर, सबसे पहले आपका यही दिखेगा। द इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वेयर ऑफ द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो। नेक्स्ट है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन चेंज टू यूज द वर्ल्ड। नेल्सन मैंडेला ने लिखा है ये। द माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकेम। बुद्धा ने लिखा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रेटिट्यूड इज ए फ्लावर दैट ब्लूम्स इन नोबल सोल्स। पोप फ्रांसिस ने लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज हैज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बैन की मून ने लिखा है ये आपका। ये थे आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स हैं वो रहने वाले हैं आपके, तो आप जरूर करके जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे में आप शुरू में लिखोगे तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।